नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। इतने जब तक पूजा पाठ यज्ञ होने पर भी देवता खुश क्यों नहीं हो रहे, इसका वास्तविक कारण बताने वाले, अनमोल रास्ता बताने वाले, जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा इसका रास्ता बताने वाले संत सदगुरु दुखहर्त त्रिकालदर्शी परम दयालु उज्जैन वाले बाबा मकान जी महाराज ने बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के प्रति महाकृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाए जाने वाले मासिक भंडारा पर्व के शुभ अवसर पर 26 जुलाई 2022 प्रातःकालीन बेला में बावल आश्रम रेवाड़ी हरियाणा में दिए अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यू कैंप पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया, इस शरीर को आप बुरे कर्मों से बचाओ, साफ सुथरा रखो, इसके अंदर गंदगी मांस शराब आदि मत लाओ। ये जितनी भी चीजें देवी देवता आप मान बैठे हुए जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिलाने वाले नहीं हुआ करते हैं। महाराज जी ने देवताओं की अदालत में सबसे पापी देवता को निकालने के लिए आए प्रस्ताव वाली कहानी से समझाया कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बार देवताओं की अदालत हुई, अदालत लगी थी, तो ये हुआ कि पापी लोग इसमें नहीं बैठेंगे, तो सबके तरफ सब लोग देखे तो बोले कि गंगा जी पापी हैं, इनको निकाल दिया जाए। कहा कि क्यों? बोले पापी लोग गंगा में स्नान करके कहते हैं पाप को मैंने अपने धो दिया, गंगा जी में डाल दिया पाप को, निर्मल हो गए हम। तो गंगा जी ने कहा देखो भाई, पापी हमारे में स्नान करते हैं तो मैं पाप को नहीं लेती हूँ, मैं तो सूर्य देवता को दे देती हूँ, सूर्य देवता उसका शोषण कर लेते हैं। तो बोले सूर्य को निकाल दिया जाए। तो कहे कि सूर्य को निकाल जाएगा, सूर्य का हम भी नहीं लेते हैं। नहीं, उन्होंने कहा हम पवन देवता को दे देते हैं, हवा हवा लग के खींच देते। तो कहा पवन को निकाल दिया जाए। तो पवन ने कहा हम नहीं लेते, हम सूर्य देवता को दे देते हैं। तो सूर्य देवता को निकालने वाली बात आई, बोले हम नहीं लेते, हम तो मेघराज बादल को दे देते हैं। तो कहा मेघराज सबसे पापी हैं, ये सबसे ज़्यादा पापी हैं, इनको निकाला जाए। मेघराज ने कहा हम नहीं पाप लेते हैं, हम तो फिर पापियों के ऊपर ही बरसा देते हैं, हम क्यों लेंगे पाप को, हम तो उन्हीं के ऊपर बरसा देते हैं। ये देखिए कुछ खास खबरें, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।